हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी आई के ऊपर। दोस्तों, एक बार फिर से यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई। ये वैकेंसी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र जो बॉस मेडिकल कॉलेज है जबलपुर का, इसके द्वारा हाल ही में इसका 29/4/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये वैकेंसी दोस्तों संविदा आधार पर वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें ओटी टेक्नीशियन की दोस्तों वैकेंसी शामिल की गई है। और इसमें जो सैलरी की बात करें, इसमें 15,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। और कुल पद दोस्तों यहाँ पे 3 रखे गए हैं, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 2 हैं और एक दोस्तों यहाँ पे ओबीसी की सीट रखी गई है। इसमें कुछ नियम और शर्तें दोस्तों, संविदा नियुक्ति हेतु यहाँ पे नियम व शर्तें आपको देखना होगा। अवधि, ये नियुक्ति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में संचालित राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के द्वारा अधीनस्थ है, और निश्चित वेतन पर संविदा नियुक्ति होगी दोस्तों। और अभ्यर्थी ने दोस्तों जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषयों में दोस्तों यहाँ पे 10+2 प्रणाली उत्तीर्ण की हो और ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा यहाँ पे प्राप्त किया हो, वही आवेदन यहाँ पे कर सकता है दोस्तों। अधिकतम आयु मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार होगी, और कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पे संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी 2 से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के या इसके पश्चात हुआ है। तो नियुक्ति के समय यह शपथ पत्र यहाँ पे अनिवार्य रूप से यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा आपको। आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, यानी मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मूल निवासी का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ पे जारी किया गया हो, और जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे सक्षम अधिकारी द्वारा यहाँ पे जारी किया गया हो, जो संलग्न करना अनिवार्य होगा। संविदा कर्मचारी का यहाँ पे काल अवधि अधिकतम 11 माह होगी दोस्तों। और आवेदन पत्र के साथ यहाँ पे प्रमाण पत्रों की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति यहाँ पे संलग्न करना अनिवार्य होगा। और शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने आवेदन पत्र के साथ नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पे संलग्न करना होगा दोस्तों। और रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकता अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकती है। और यहाँ पे नियुक्ति का तारीख यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, नियुक्ति चयन समिति अनुशंसा नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जाएगी, और चयन समिति का निर्णय अंतिम मान्य होगा। मेरिट दस्तावेजों की स्क्रूटनी के पश्चात यहाँ पे योग्य में मेरिट प्रत्याशियों की सूची नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर की वेबसाइट पर आप अपलोड कर दिया जाएगा। वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी दोस्तों। और जो आवेदन का प्राप्त होने की जो तिथि है दोस्तों, यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है 20/5/2022। यानी आप कैसे अप्लाई करेंगे उसके लिए हम देख लेते हैं। लास्ट में जो ऑफिशियली PDF है दोस्तों, इसमें एक फॉर्म दिया गया आवेदन का प्रारूप, इसमें आपको भरना होगा। ये फॉर्म आपको भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये सारी डिटेल आपको भरना है, और सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें अटैच करना है जो दिए गए हैं। और जो दोस्तों इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आवेदक के लिए फीस भी रखी गई है, जो यहाँ पे आवेदन पद के साथ प्राप्त कार्यक्रम के पद हेतु कैटेगरी अनुसार अनारक्षित पद के लिए यानी जनरल के लिए 500 रुपये इसमें फीस रखी गई है। अनुसूचित जाति यानी जनजाति यानी SC ST के लिए इसमें 250 रुपये आपका डिमांड ड्राफ्ट जो अधिष्ठा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से होना आवश्यक होगा दोस्तों। और आपको यहाँ पे ये फॉर्म भरने के बाद आपको एड्रेस पे जो दिया गया है उस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। यहाँ पे मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठ नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज कार्यालय में समय 5 बजे तक यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्राप्त होना चाहिए। यानी आप डाक के द्वारा भी भेज सकते हो, और स्वयं जाके दोस्तों मेडिकल कॉलेज में आप जो नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज है इसमें आप स्वयं जाके भी आप जमा कर सकते हो। तो ये पूरी डिटेल थी दोस्तों। अभी जो स्वास्थ्य विभाग में भर्ती निकली, OT टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी है, और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हर वीडियो का अपडेट अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से इसका ऑफिशियली PDF भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए और हर वैकेंसी का जो PDF ऑफिशियली रहता है वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे हर वीडियो का PDF हम अपलोड कर देते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जल्दी से जल्दी आपका जो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।